बारिश हो रहा है और आज तूफान कल होने वाला था बट आज हम लोग का इस साइड पे हो रहा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हवा वगैरह दे रहा है, देख सकते हो मैं खिड़की से देख रही हूँ उधर से इस साइड से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विकाशा ब्लॉग। तो अभी देख सकते हो कितना मस्त मौसम हो गया है, ये तूफान आदि कल होने वाला था बट आज हो रहा है हम लोग का इस साइड पे और अभी बारिश दे रहा है। मैं बारिश में बात कर रही हूँ आप लोग से, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, सुबह से इतना ज़्यादा बारिश होने लगा है ना, अभी जाके थोड़ा कम हुआ है, मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और अभी देखो फूल वगैरह खिला हुआ है बट फूल वगैरह उठाने का समय नहीं हुआ, मतलब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि निकल ही नहीं पा रहे थे। अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो बारिश लेने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है, इतना दिन का गर्मी के बाद इतना ठंडा ठंडा मौसम किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर देखो हम लोग का आम का पेड़ पे और ढेर सारा आम ऊपर से गिर रहा है टूट टूट के, इधर से देख सकते हो बहुत ही ये कितना सारा फूल हुआ है, बहुत फ्रेश फ्रेश फूल हुआ है बट वाइट कलर का जो छोटा छोटा फूल होता है ना वो आज नहीं हुआ है, वो पेड़ पूरा फाका है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, उस पर नहीं हुआ है। और मेरा गुलाब पेड़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, देखिए मेरा गुलाब पेड़ पे यहाँ पे फूल खिलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोग को दिखा, तो देख सकते हैं इस पर फूल खिलेगा और इस पर फूल खिलेगा और ये बहुत ही लंबा हुआ है, तो ये मैंने अपने हाथों से लगाया है तो इस पर फूल होता है ना तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब पेड़ भी मैं ही लगाई हूँ जो कि अभी बहुत बड़ा हो गया है। और हवा देखो आज का मौसम आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हवा वगैरह दे रहा है, तो यहाँ फूल लेना कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब सारा काम करके पूजा वगैरह करेंगे। और इधर देखो मौसम, तो यहाँ मैं आ गई हूँ, जो मेरा डेली का काम रहता है वही करने के लिए। तो मम्मी का यहाँ खाना बन चुका है क्योंकि आज बना है घर पे खिचड़ी, क्योंकि इतना मस्त मौसम में, इतना प्यारा सा मौसम पे बारिश हो रहा है बाहर पे और इतना अच्छा वेदर पे, तो खिचड़ी तो सबका घर में बनता होगा, आप लोग का घर में भी बनता है कि नहीं आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और आप लोग कुछ जन मेरे को कमेंट करें मेरा गलती पे, मेरा अच्छाई पे कमेंट कर रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें, मैं आप लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें अपना फ्रेंड फैमिली के साथ मेरा व्लॉग को। तो यहाँ मैं आ गई हूँ भगवान का रूम क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सारा काम करने के बाद मैं पूजा करूँगी, तो घर का जो साफ सफाई है मम्मी ही की है, सिर्फ मैं यहाँ पे घर पे पोछा लगा दे रही हूँ। आज मम्मी का काम जल्दी जल्दी हो गया था और ये वेदर पे ना आज मैं बहुत ज़्यादा सो गई थी, मेरा उठने में लेट हो गया था तो इसीलिए मेरा सारा काम अभी तक हो जाता है। और आज मैं कॉलेज भी नहीं जा पाई, कितनी इतना मौसम बिगड़ गया था सुबह पे, आप लोग जब देख रहे हो तो थोड़ा बहुत ठीक मौसम है, जब मैं सुबह में उठी थी ना और भयानक सा मौसम था, पूरा चारों तरफ मतलब काला बादल छाया हुआ था और बहुत बहुत तेज़ी से हवा दे रहा था। तो यहाँ देखो मेरा पूजा काट कंप्लीट हो रहा है, मतलब मैं पूजा कर रही हूँ, फिर मैं गई तुलसी मंदिर पे अगरबत्ती दिखाई, पूजा की, पानी डाली और अभी भी देखो हवा कुछ कम नहीं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बाहर में ठंडा ठंडा हवा दे रहा है और बारिश अभी रुक चुका है, तो मैं फ्रेश होकर पूजा पाठ कर रही हूँ। और अभी देखो मौसम कितना प्यारा सा लग रहा है ना, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और ठंडी ठंडी वेदर हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा वेदर नहीं, ठंडा ठंडा हवा, हाँ ठंडी वेदर भी हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रील शूट की, आप लोग ज़रूर मेरा शॉर्ट्स वीडियो को चेक करना, मेरा शॉर्ट्स पे अच्छा अच्छा रील्स आएगा तो उसको आप लोग ज़रूर देखना। और अभी मैं यहाँ पे टहल रही हूँ और आज कपड़ा वगैरह मम्मी वॉश नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है ना, और अभी भी हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा मैं पेड़ का नीचे हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है, और अभी मतलब जो बारिश हो रहा है उस साइड से बारिश हो रहा है, उस साइड से इस साइड हो रहा है, तो बारिश में कपड़ा वगैरह फेंक सकता है, तो इसीलिए मम्मी आज कपड़ा वॉश नहीं किया। और बाहर में हो रहा था मस्त सा बारिश और यहाँ देखो मैं क्या लेके आई हूँ, ठंडा ठंडा वेदर पर मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, मेरे मम्मी तो बोल रही इतना ठंडा वेदर में आइसक्रीम नहीं खाना होगा बट मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं खा ही लेती हूँ।
जो फ्रिज पे है और फ्रिज पे कोई भी आइसक्रीम चॉकलेट रहता है ना, तो मेरा मन उधर ही पड़ा रहता है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये सब खाना। तो मैं डेली तो नहीं खाती हूँ, बट हाँ कभी कभी मैं ला के रखती हूँ और मैं ही खाती हूँ। मेरा घर पे कोई भी आइसक्रीम नहीं खाता है, तो यहाँ मैं खा रही हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन चला रही हूँ, फिर मैं लिखने बैठूँगी, मतलब पढ़ाई करने बैठूँगी। तो आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक मेरा व्लॉग को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो यार, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।